दोस्तों, हमारी दुनिया में आज भी कई ऐसी जगहें हैं जिन पर यकीन करना या उनके बारे में इमेजिनेशन करना भी हमारे लिए संभव नहीं है। ये जगहें ऐसी हैं जो देखने वाले हर इंसान को आश्चर्यचकित कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुदरत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। द स्टैचू ऑफ डेसिबेलस। रोमानिया देश के ओरसोवा में मौजूद यह मूर्ति 131 फीट यानी कि 40 मीटर ऊंची है, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे पर मौजूद है। इसे यूरोप की सबसे ऊंची रॉक स्टैचू बताया जाता है। इस मूर्ति का निर्माण सन 1994 में शुरू किया गया था, जो सन 2004 में जाकर खत्म हुआ। रोमानिया का यह राजा डेशियन जनजाति से ताल्लुकात रखता था, जिसने 85 एडी में सत्ता संभाली थी। डेसिबेलस ने अपने जीवन काल में 3 बार रोम राज्य की सेनाओं को पराजित किया था, लेकिन 105 एडी में उसे हार का सामना करना पड़ा। डेसिबेलस के काल को रोमानिया के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है, इसलिए वहां की सरकार ने इस विशाल पहाड़ी को काटकर डेसिबेलस की मूर्ति को बनवाने का निर्देश दिया था। वेनेटियन वैम्पायर्स। साल 2016 में इटली देश में कुछ खोजकर्ताओं को एक महिला की खोपड़ी जमीन में गड़ी हुई मिली। कार्बन डेटिंग के बाद पता चला कि वो स्कल 500 साल पुराना था, जिसके मुंह में ईंट जैसी आकृति का पत्थर फंसा हुआ था। जब एक्सपर्ट्स ने रोम के इतिहास को खंगाला तो उन्हें पता लगा कि मध्यकाल में रोम के लोग जब भी किसी खून पीने वाले पिशाच यानी कि वैम्पायर को पकड़ते थे तो उसके मुंह में एक भारी पत्थर फंसाकर उसे जमीन में दफना देते थे। रोम के मध्ययुगीन चिकित्सा और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये पिशाच लोगों का खून चूसने के साथ साथ उनके जीवन को भी चूस लेते थे, और ऐसा वे तब तक करते थे जब तक उन्हें खुद को शरीर में बदलने की ताकत हासिल ना हो जाए। इसलिए लोग जब भी किसी वैम्पायर को पकड़ते थे तो उनके मुंह में पत्थर फंसाकर उन्हें जमीन में दफना देते थे। ये सारी बातें रोम के इतिहास के पन्नों में साफ साफ लिखी गई हैं। द इम्पीरियल लाइब्रेरी। आधुनिक इंस्ताबुल को पूरे इतिहास में विभिन्न नामों से जाना जाता था, जिसमें बिजांटियम और कंस्टानिनोपल शामिल है। यह विशाल प्राचीन सभ्यताओं वाला शहर कभी दुनिया के महान पुस्तकालयों में से एक माना जाता था। अलेक्जेंड्रिया में पुस्तकालय के विनाश के लगभग 1000 वर्षों के बाद भी इंस्ताबुल की इस शाही लाइब्रेरी ने प्राचीन ग्रीक और रोमन देश से जुड़े महत्वपूर्ण लेखों और दस्तावेजों को संजोए रखा, जिसकी वजह से इसने पूरे इतिहास में सबसे अलग पहचान बनाई है, जिसे अब एक मॉडर्न लाइब्रेरी में बदल दिया गया है। लेकिन अगर आप अब भी यहाँ जाएं तो आपको इस लाइब्रेरी के इतिहास की भव्यता का एहसास हो जाएगा। द पेरिस कैटाकॉम्ब्स। सन 1750 में कब्रिस्तान की कमी और डेथ रेशो ज्यादा होने के कारण फ्रांस की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे फ्रांस के इतिहास में एक और सबसे अजीब अध्याय को जोड़ दिया था। दरअसल उस समय कब्रिस्तान में जमीन न होने के कारण फ्रांस की सरकार ने एक अंडरग्राउंड सुरंग बनवाकर उसमें हजारों लाखों लोगों को एक साथ दफन करवा दिया था, जिसके साक्ष्य आज भी यूके यू ही मौजूद है। यह सुरंग 200 मीटर लंबी है, जिसमें आज तकरीबन 6 मिलियन कंकाल मौजूद है। पहले यह जगह आम सैलानियों के लिए खुली थी, लेकिन अब इतिहास की इस धरोहर को होते नुकसान की वजह से इसे सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसमें जाने के लिए परमिशन अब केवल कुछ खास प्रोजेक्ट्स होने के कारण ही चुनिंदा लोगों को ही दी जाती है। मोंट सेंट मिशेल। ये महल अपने कई बार हॉलीवुड मूवी में भी देखा होगा। ये वही जगह है जिसे लगातार 116 सालों तक लड़ने के बाद भी अंग्रेज हासिल नहीं कर पाए थे। फ्रांस में मौजूद इस आइलैंड को द लिटिल वॉन्डरिंग टाउन के नाम से भी जाना जाता है। चारों तरफ समुद्र में घिरा होने के कारण साल में 20 बार ऐसा होता है जब टाइड्स के कारण यह पूरी तरह से पानी में घिर जाता है। यहाँ जाने के लिए एक पुल का निर्माण भी किया गया है, लेकिन लहरों के बढ़ने के कारण यह रास्ता पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है, और समुद्र के बीचों बीच खड़ा यह महल जन्नत जैसा प्रतीत होता है। द कोलमोनस्कोप विलेज।
कोलमोनस्कोप नामीबिया देश के डेजर्ट जोन में मौजूद एक छोटा सा गांव है। कोलमोनस्कोप दुनिया भर में गोल्ड माइंस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि साल 1950 में नामीबिया डेजर्ट के विस्तार होने की वजह से यहां लोगों को खाने और पीने की किल्लत होने लगी थी, जिसकी वजह से लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे थे। आज यह जगह एक वीराने में बदल चुकी है, जहां पर चारों तरफ देखने पर दिखती है तो सिर्फ धूल ही धूल। यहां के अधिकतर घर अब टूट चुके हैं और जो घर बचे हुए हैं वो सिर्फ रेत से ही भरे हुए हैं। आज यह गांव देखने में बहुत ही भयानक और डरावना लगता है, जिसकी वजह से यहां पर कई फिल्म्स की भी शूटिंग की गई है। द मूविल केव। इस रहस्यमय गुफा को सन 1980 में खोजा गया था। यहाँ पर पहुँचने के लिए एक नदी में बोटिंग करके जाना पड़ता है। यह गुफा इतनी गहरी है कि इसमें नीचे पहुँचने पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। आज तक इस गुफा में 15 ऐसे जानवर मिल चुके हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, जो इस गुफा में लाखों सालों से ही पनप रहे थे। अंधेरा होने के कारण इसमें पाए गए ज्यादातर जानवर अंधे ही थे, जिन्हें बाद में परीक्षण के लिए लैब में भेज दिया गया था। स्पॉटेड लेक। कनाडा में मौजूद यह लेक गर्मियों के मौसम में अजीब सी दिखाई देती है, जो कि सर्दियों में बिल्कुल एक आम लेक जैसी हो जाती है। गर्मियों में इस झील में रहस्यमय सफेद धब्बे बन जाते हैं। यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि इस झील के पानी के हर हिस्से में सबसे शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ उगती हैं, जो गंभीर से गंभीर बीमारी का भी इलाज कर सकती हैं। इसलिए इसे कलीलक लेक के नाम से भी जाना जाता है। द अंडरवाटर रिवर। आपने आज तक पानी में केवल खजाना, जहाजों और विमान के अवशेषों के मिलने की ही खबरें सुनी होंगी, लेकिन मैक्सिको में पानी के अंदर ही एक बहती हुई नदी ढूंढी गई है। इस नदी का नाम एंजेलिटा रखा गया है। इस अद्भुत जगह को देखने के लिए दुनिया भर से गोताखोर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ऐसा नजारा पूरी पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। पानी के अंदर जाने पर नदी के पानी और समुद्र के पानी में साफ फर्क दिखाई देता है। समुद्र के अंदर ही एक और नदी का बहना वाकई में बेहद अजीब बात है। द लोम बाजार। दोस्तों, शॉपिंग करना सबको पसंद होता है, सिवाय ऐसे बाजार के जहां सिर्फ कंकाल, हड्डियां और डरावनी चीजें ही मिलती हों। दरअसल यह बाजार अफ्रीका में मौजूद है। इस बाजार में काला जादू करने का हर सामान मिलता है, जैसे जानवरों की हड्डियां, उनके सींग आदि। यहां पर वे लोग भी जाते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और उनका इलाज कहीं और नहीं हो पाया हो, इसलिए वे काले जादू का सहारा लेते हैं। कोवा आइजेन। दरअसल यह एक झील है जो कि इंडोनेशिया देश में मौजूद है। रात के समय इस झील को देखने का नजारा अलग ही रोमांचक होता है, क्योंकि यह झील रात होने पर नीले रंग की लाइट से चमकने लगती है, जो बिल्कुल जादुई दुनिया जैसा लगता है। हालांकि कहते हैं कि वहां पर मौजूद ज्वालामुखी के केमिकल का रिसाव इस झील में होता रहता है, जिसकी वजह से यह झील रात को चमकती है। लेकिन झील में ज्वालामुखी का केमिकल कहां से आता है, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। सलार डे ओयुनी बोलिविया। यह जगह साउथ अमेरिका महाद्वीप में मौजूद बोलिविया के दक्षिणी पश्चिम इलाके में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का समतल मैदान है, जो कि 10,587 वर्ग किलोमीटर के बड़े इलाके में फैला हुआ है। साल के कुछ समय यह बिल्कुल साफ पानी से ढका रहता है, जिसे ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे आप किसी आईने में देख रहे हो। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आईना भी कहा जाता है। इसलिए दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पर लगभग 15 अरब टन नमक मौजूद है। होया बाईचू फॉरेस्ट। रोमानिया के लोग आज भी इस जंगल में जाने से कांपने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढेरों अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे सन 2003 में कुछ दोस्तों का एक दल इस जंगल में कैंपिंग और एडवेंचर करने के लिए निकला था, जिसके एक महीने के बाद